हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ मनोज वर्मा एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको एलेक्स ब्लू पे एपीआई कैसे एक्टिवेट करते हैं और ऑर्डर कैसे लगेंगे इस बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, इससे पहले हमारे पास फायर, अपस्टॉक एंड जिरोधा पे ऑर्डर लगते थे, अब एलेक्स ब्लू भी ऐड हो गया है। ये पहली वीडियो है एलेक्स ब्लू की जिसके अंदर मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो हो सकता है कोई चीज़ मिस हो जाए, बट आगे चल के आपको और भी वीडियो मिलती रहेगी। बट एज अ बिगिनर, आप अगर एपीआई को कनेक्ट करना चाहते हैं या ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये जैसे कि आप हमारी वेबसाइट देख रहे हो, सबसे पहले तो आपको इस पे अकाउंट बनाना पड़ेगा, पैड यूजर पैड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, देन आप इस चीज को कर सकते हो। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा नेक्स्ट लेवल बोट है वो 499 मंथली है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग व्यू का ट्रायल चाहिए होता है, ट्रायल आप खुद ले सकते हो, आपको कार्ड ऐड करना होता है, अदरवाइज आप हमसे लेते हो तो 150 रुपीज देने होते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में एक यूजर है अजय, आप उसको कॉन्टेक्ट कर लीजिए, वो आपसे 150 रुपीज लेगा एंड एक मेल आईडी और पासवर्ड लेगा, न्यू मेल आईडी न्यू पासवर्ड, और आपको ट्रेडिंग व्यू का ट्रायल प्रोवाइड करा देगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आपको करना क्या होता है। करने के लिए सबसे पहले आपको एपीआई गेट करनी होती है एलेक्स ब्लू से। एलेक्स ब्लू का कोई भी डैशबोर्ड वगैरह अभी नहीं है जिससे आप एपीआई गेट करो, तो आपको मेल करना होता है उन्हें, और मेल में क्या लिखना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ये मैंने एक पोस्ट पहले से बना रखा है, तो आप ये कंटेंट पूरा का पूरा उन्हें सेंड करोगे। बस यहां पर जहां पर एक्स एक्स लिखा, यहां पर आप अपनी एलेक्स ब्लू की मेल क्लाइंट आईडी डालोगे, एंड उसके बाद आप यहां पर अपनी मेल आईडी डालोगे एलेक्स ब्लू की, एंड ये रिडायरेक्ट यूआरएल है, ये जरूर सेट कराना होता है इस मेल के साथ जब भी आपके ऑर्डर जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ये जो पोस्ट है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप कॉपी पेस्ट करके इसमें थोड़ा सा ये दो चेंज करके आप इस मेल आईडी पे भेज सकते हो। नीचे मेल आईडी भी दे रखी है किस मेल आईडी पे भेजना है, ये एलेक्स ब्लू वालों की ऑफिशियल मेल आईडी है जो एपीआई को एक्टिवेट वगैरह करते हैं। तो आप इस मेल आईडी पे भेजोगे तो आपको एक्टिवेशन का मेल आ जाएगा जब वो आपकी मेल आईडी एपीआई एक्टिवेट कर देंगे और रिडायरेक्ट यूआरएल सेट कर देंगे, जो कॉल बैक यूआरएल होता है उसे सेट कर देंगे। तो अब हम बात करते हैं, जब आपको एपीआई मिल गई, आपको मेल पे मिलेगी, तो उसे करना क्या है। आपको नेक्स्ट लेवल बोर्ड पे आना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पे जाना है। मैं डैशबोर्ड पे जा रहा हूँ, आप देख सकते हो। डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको क्रेडेंशियल में जाना है, तो मैं एक बार क्रेडेंशियल का पेज कहीं और ही खोल देता हूँ। आपको यहाँ क्रेडेंशियल में आना है, क्रेडेंशियल का पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल टाइप करना है। मैं टाइप कर देता हूँ नेक्स्ट लेवल बोर्ड, एंड यहाँ पर आपको नेक्स्ट लेवल बोर्ड टाइप करना है, नेक्स्ट लेवल बोर्ड, एंड यहां पर आपको एलेक्स ब्लू सेलेक्ट करना है। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर एलेक्स ब्लू टाइप में एलेक्स ब्लू सेलेक्ट करना है। यहां पर आपको अपनी क्लाइंट आईडी डालनी है जो एलेक्स ब्लू की क्लाइंट आईडी है। उसके बाद उन्होंने आपको एक सीक्रेट की दी होगी जिसे एपीआई की कहते हैं, उसको आपको यहां पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद ऐड एपीआई कर देना, ऐड एपीआई करने के बाद वो एपीआई आपको यहां पर शो होगी, एंड आपको क्या करना है एलेक्स ब्लू पे क्लिक करना है। तो अभी मेरे पास एलेक्स ब्लू पे मैंने दो एपीआई ऐड कर रखी है दो यूजर की। तो आपको क्या करना है, आपको यहां पर क्रॉस का मार्क दिखेगा, इस पर वन टाइम क्लिक करना है। जैसे आप वन टाइम क्लिक करोगे ये ग्रीन का मार्क हो जाएगा, जैसे ये है। तो अभी मैंने जो एक्टिवेट करके जिस पे ऑर्डर लगा रख के दिखाऊंगा वो इस एपीआई पे दिखाऊंगा, इसलिए ये एक्टिवेट है। जब आप ये सारी प्रोसेस कर लो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक्सचेंज के ऑप्शन पे जाना है। मैं एक्सचेंज का पेज दिखा देता हूं आपको, एक्सचेंज पे क्लिक करना, आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। तो ये डेली प्रोसेस है, अगर आप एपीआई को डेली कनेक्ट नहीं करोगे तो आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। तो आपको डेली एलेक्स ब्लू पे क्लिक करना होगा। जैसे आप एलेक्स ब्लू पे क्लिक करोगे, अगर आप एलेक्स ब्लू पे लॉगिन हो तो आपको ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट पेज शो हो जाएगा और आपकी एपीआई एक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप लॉगिन नहीं हो तो आपको यहां पर अपनी आईडी डालनी होगी, पासवर्ड डालना होगा, और जो वेरिफिकेशन करवाते हैं वो करवानी होगी, देन आपके सामने एक ब्लैंक पेज शो होगा, इट्स मीन आपकी एपीआई कनेक्ट हो गई। तो मैंने पहले से कनेक्ट कर रखी है तो इसलिए मैं लॉगिन नहीं करता। यहाँ एक पंगा है कि अगर आप इनके सॉफ्टवेयर में लॉगिन हो और मैं इधर से ये लॉगिन करूंगा तो सॉफ्टवेयर लॉग आउट हो जाएगा और इससे मेरा टाइम बढ़ जाएगा, मेरे को फिर से सॉफ्टवेयर को लॉगिन करना पड़ेगा। तो मैं इसे बंद कर देता हूं, मेरी एपीआई एक्टिवेट है। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि जब आप एलेक्स ब्लू पे क्लिक करोगे, अगर आप लॉगिन हो तो ब्लैंक पेज शो हो जाएगा, अगर लॉगिन नहीं हो तो लॉगिन आईडी डालोगे तो ब्लैंक पेज शो हो जाएगा, इट्स मीन कि आपकी एपीआई कनेक्ट हो गई। अब आ जाते हैं आगे की प्रोसेस पे। जब एपीआई कनेक्ट हो जाए तो आपको डैशबोर्ड पे आना है, आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपका डैशबोर्ड का पेज खुल जाएगा। मैं दिखा देता हूं आपको, वन सेकेंड, हाँ ये आपका डैशबोर्ड का पेज है। डैशबोर्ड के पेज पे आना है तो यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पर आपको एक वेब हुक यूआरएल दिखेगा जिससे आप रियल ट्रेडिंग कर सकते हो, एक पेपर ट्रेडिंग का यूआरएल दिखेगा। तो आपको क्या करना, आपको जो वेब हुक यूआरएल है उस पर वन टाइम क्लिक करना है, ये बोल्ड हो जाएगा, इट्स मीन ये कॉपी हो गया है। अब ये कॉपी हो गया है,
अब आपको क्या करना है, आपको अपने ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट पे जाना है एंड कोई भी इंडिकेटर पे अलर्ट्स बनाने हैं। मैं जो मोस्टली लेता हूँ हॉरिजेंटल लाइन लेता हूँ, जिससे कि मैं फास्ट ट्रिगर करा देता हूँ। मैंने हॉरिजेंटल लाइन ली, उसके बाद इस लाइन पे राइट क्लिक करा, ऐड अलर्ट करा और उस यूआरएल को, बाय डिफॉल्ट ये वेबहुक यूआरएल ऑफ होगा, आपको इसे ऑन करना है और उस यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देना है जो अभी आप कॉपी करके लेके आए थे, अदरवाइज आपके ऑर्डर नहीं जाएंगे। तो मैंने पहले से डाल रखा है। अब ये सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट हो गई, तो अब हम इसे बंद करते हैं एंड मैं आपको दिखाता हूं आगे क्या करना है। अब आपको क्या करना है, आपको सेंटेक्स जनरेट करने हैं। अब सेंटेक्स जनरेट करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूं सेंटेक्स कैसे जनरेट होते हैं। अभी तक अगर आप पहले से हमारे पास हमारे बोर्ड को यूज कर रहे हो तो जरोधा अप स्टॉक फायर्स के अंदर अलग तरीका था सेंटेक्स जनरेट करने का, इसका अलग तरीका है। इधर ट्रेडिंग सिंबल के बदले इंस्ट्रूमेंट टोकन ऐड होता है। अगर अदरवाइज आप ट्रेडिंग सिंबल डाल देते हो, जैसे एसबीआई डाल देते हो, तो ऑर्डर नहीं जाएगा। एसबीआई का इन्होंने एक कोड बना रखा है, वो कोड आपको डालना होता है। वो कोड कहां से मिलेगा या फ्यूचर ऑप्शन के कोड कहां से मिलेंगे, एमसीएक्स के कोड कहां से मिलेंगे ऑर्डर लगाने के लिए, वो आपको मैं अब बताने वाला हूं। सबसे पहले तो हम एक पेज खोल लेते हैं जिसका नाम है बीटा सेंटेक्स। इस पर क्लिक कराए, बीटा सेंटेक्स का पेज खुल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये एलेक्स ब्लू सिंबल दिख रहा है, आपको ये पेज खोल लेना है। दोनों पेज हमने खोल लिए एंड दोनों पेज लोड हो रहे हैं। तो बीटा सेंटेक्स के अंदर मैं थोड़ा सा बीटा सेंटेक्स ले आता हूं। पहले बीटा सेंटेक्स के अंदर आपको फायर्स के ऑर्डर लगाने, जरोधा के ऑर्डर लगाने, आप स्टॉक के ऑर्डर लगाने, एलेक्स ब्लू के ऑर्डर लगाने, सबके आपको सेंटेक्स मिलेंगे। आपको वन बाय वन क्लिक करना है और सारी चीजें ऐड करनी है। अब मैं आपको बताता हूं, मैंने एलेक्स ब्लू पे क्लिक करा, मैं रेगुलर ऑर्डर लगाना चाहता हूं। जैसे कि आपको पता ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर बंद कर रखे हैं एंड इसके चक्कर में वो चीजें नहीं लगेगी, तो आज मैं ओनली फॉर जो डेमो है ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर नॉर्मल ऑर्डर ही लगा के आपको दिखाऊंगा। बाकी आप जो भी एलेक्स ब्लू प्रोवाइड करता है जितने भी ऑर्डर आप सारी चीजों को लगा सकते हो। तो यहां पर हम क्या करते थे, जितने भी हमारे पास अभी तक एक्सचेंज थे फायर जरोधा, हम यहां पर लिखते थे SBIN एंड उसे सेलेक्ट करते थे और हमारा सेंटेक्स तैयार हो जाता था और ऑर्डर चले जाता था जब हम इस कोड को डालते थे। बट यहां SBIN नहीं डलेगा, यहां कोड डलेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो कोड कहां से मिलेगा, जो हमने पेज क्लिक करा था एलेक्स ब्लू सिंबल वाला, उस पेज पे क्लिक करने के बाद ये पेज खुल जाएगा। अब आपको जिस चीज का कोड चाहिए, सपोज मानो NSE का कोड चाहिए या MCX का चाहिए, NFO का चाहिए, उस चीज को आपको यहां पर सर्च करना पड़ेगा। एज ए एग्जाम्पल के लिए मैं अभी क्या करता हूं, मैं NSE सेलेक्ट सर्च करता हूं। तो मैं यहां पर SBIN सर्च करता हूं। जैसे मैं सर्च करूंगा तो ये यहां वाली लाइन के अंदर हमें कोड दिखा देगा जो कि मुझे पहले से याद है 3045 है। तो आपको इसको कॉपी करना है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूं आपके सामने। मैंने कंट्रोल सी से कॉपी करा, इधर गया, इधर मैंने इस कोड को डाल दिया। उसके बाद NSE सेलेक्ट करा क्योंकि ये NSE के अंदर आता है। क्वांटिटी वन सेलेक्ट करी एंड बाय पे क्लिक करा। यहां आपके पास जो रेगुलर ऑर्डर के अंदर जो एलेक्स ब्लू प्रोवाइड करता है वो चार तरह के ऑर्डर टाइप प्रोवाइड करता है, मार्केट, लिमिट, SLM और SL। तो अभी के लिए मैं आपको लिमिट ऑर्डर लगा के दिखाता हूं। लिमिट ऑर्डर पे क्लिक करा, उसके बाद यहां पर PR आ गया। PR का मतलब होता है प्राइस रेंज। वैसे आप मैनुअल काम करते हो, कोई चीज 100 रुपए की चल रही होती है और आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आप क्या करते हो 98 रुपीज टाइप करते हो, जिससे आपका ऑर्डर 98 पे लग जाता है। बट यहां पर आपको वो चीज टाइप करनी होती है जितने पॉइंट आप नीचे लगाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूं जब मेरा सिग्नल आए उस टाइम जो प्राइस हो, एग्जांपल के लिए उस टाइम 100 रुपए का प्राइस हो, तो मेरा 1 रुपए नीचे ऑर्डर लग जाए, तो मुझे 1 टाइप करना है। अगर आप परसेंटेज में चाहते हो तो आपको इस पे सिलेक्ट कर देना। मैं अभी परसेंटेज नहीं चाहता तो 1 टाइप करा, MIS टाइप करा क्योंकि ये ऑर्डर मैं MIS में लगाना चाहता हूं। ऑप्शन में जो होता है नॉर्मल यूज होता है तो आप नॉर्मल का यूज कर सकते हो, MIS नहीं होता आई थिंक। एंड जनरेट बॉक्स पे क्लिक करा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे कोड आपके सामने यहां पर आ जाएगा। आपको इसको इस तरीके से सेलेक्ट करके कॉपी नहीं करना, कॉपी करना है इस बटन से। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आप यहां जाओगे और इस बॉक्स के अंदर ये कोड को डाल दोगे। मैंने डाल दिया और क्रिएट कर दिया। जैसे मैंने क्रिएट करा आप यहां पर देख सकते हो वो अलर्ट्स आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, ये अलर्ट्स बन के आ गया। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरी एक कंडीशन बन के आ गई। तो मैं अब इनका सॉफ्टवेयर दिखा देता हूं। अब यहां पर एक चीज और देखने को मिली, जो इनकी वेबसाइट है, अगर हम उस पर ऑर्डर लगाते हैं तो थोड़ा सा लेट शो होते हैं, बट अगर इनका हम ऐप खोल के रखते हैं या इनका एक एंट डेस्क सॉफ्टवेयर है उसको खोल के रखते हैं तो बहुत ज्यादा फास्ट देखने को मिलता है हमें। तो अब आप चाहो तो वेबसाइट खोल सकते हो, बट मैंने इनका भी एंड सॉफ्टवेयर खोल रखा है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इनकी जो ऑर्डर बुक में गया और ऑर्डर में गया और ऑर्डर बुक ओपन कर रखी है, इसमें अभी तक कोई ऑर्डर नहीं। ये दो ऑर्डर पहले मैं कैंसिल कर चुका हूँ लगा के। तो अब मैं आपके सामने ऑर्डर लगाऊंगा और दिखाऊंगा कि हाँ ऑर्डर जा रहे हैं नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं गया एंड मैंने इसे टिगर कराया, जानबूझ के टिगर करा रहा हूं। अभी ये जो कंडीशन है वो क्या है, एक बार एग्जांपल बता देता हूं। ये कैंडल जब इससे टच होगी ऑटोमेटिक ऑर्डर चले जाएगा,
ये कंडीशन हमने ये बना रखी है हॉरिजेंटल लाइन पे, बट हम वेट नहीं करेंगे कैंडल को टच होने का, हम जानबूझ के टच करा देंगे जिससे हमारा ऑर्डर चले जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को जो हॉरिजेंटल लाइन है इसको मैं ड्रैग करके बिल्कुल कैंडल के फ्रंट पे रख देता हूँ जिससे अलर्ट्स आए। कोई भी अलर्ट्स आता है तो अलर्ट्स लोग में शो होता है कि आपका अलर्ट्स आए, जैसे ये शो हुआ, फटाफट मैंने आंट खोला एंड यहाँ पर वो ऑर्डर आना चाहिए, तो हम वेट करते हैं ऑर्डर आने का एंड ये ऑर्डर आ गया। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो अभी ये क्या है, एक लिमिट ऑर्डर आया है, इधर लिखा हुआ है ऑर्डर टाइप लिमिट क्वांटिटी वन, क्योंकि हमने क्वांटिटी वन ली थी, पेंडिंग के अंदर है, क्योंकि अभी ये जो सिग्नल आया है वो उस टाइम प्राइस एक 185 चल रहा होगा और ये 184 पे लगा क्योंकि हमने ₹1 टाइप करा था। इस तरीके से ये ऑर्डर आ गया। तो आप देख सकते हो कि आपका ऑर्डर आ गया, इस तरीके से आप ऑर्डर लगा सकते हो। एक दो ऑर्डर और लगा के दिखा देता हूं मैं आपको, जैसे कि मैं चलता हूं फिर से इस पे एंड मैं यहां पर जाने के बाद यहां से मैं ले लेता हूं किसी और सिंबल को। तो एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं आईओसी सर्च करा मैंने एंड इसका सिंबल जो है ये वाला है 1624, इसे कॉपी करा एंड इधर गया मैं एंड इसके अंदर मैंने क्लोज करा, इसके अंदर मैंने इस सिंबल को डाल दिया। फिर से मैं एक ऑर्डर लगाऊंगा ₹1 नीचे, एक क्रिएट करा, ये देखिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो आईटी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट टाइप, तो इंस्ट्रूमेंट टाइप है 1624 आ गया एंड कॉपी करा एंड दोबारा से हम टिगर कराएंगे। आप चाहो तो दूसरी लाइन भी ले सकते हो, मैं इसी लाइन का यूज करूंगा, आप चाहो कोई भी इंडिकेटर ले सकते हो। एज ए एग्जाम्पल के लिए मैं इसका यूज करता हूं, मैंने कोड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया, सेव करा एंड सेव करके जैसे मैं टिगर कराऊंगा यहां पर अलर्ट्स आएगा एंड जैसे अलर्ट्स आएगा फिर आपका ऑर्डर भी चले जाएगा। तो मैं इसे टिगर कराता हूं एंड मैंने जैसे इसे टिगर कराया तो यहां पर जैसे अलर्ट्स आएगा आपको टाइम वगैरह सब दिख जाएगा एंड मैं गया आइन पे एंड ये ऑर्डर आ गया। अब ऑर्डर की टाइमिंग भी देख लेते हैं दोनों की। तो कई ऑर्डर इनके 2 सेकंड में लग जा रहे हैं, कई ऑर्डर इनके 5 सेकंड में लग रहे हैं, मुझे नहीं पता ये ऐसा क्यों हो रहा है, बट वैसे देखा जाए तो मोस्टली ऑर्डर इनके 2 से 3 सेकंड में लग रहे हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम ये कैसे चेक करें, जैसे कि अब मैंने ये ऑर्डर पे क्लिक करा एंड इसके अंदर क्लिक करने के बाद इसकी डिटेल आ जाएगी। अभी मैंने ऐसे करके चेक तो करा था पर अभी नहीं हो रहा, एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ, ये सॉफ्टवेयर जो है वो नॉट रिस्पॉन्डिंग दिखा रहा आपके सामने, तो एक बार इसे सही होने दीजिए, मतलब ये पार्ट एक और बढ़ गया। तो मैंने आज तक एलेक्स ब्लू पे कभी ऑर्डर नहीं लगाए थे, मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर को ढंग से यूज़ करना भी नहीं जानता, तो हो सकता है कि कोई मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, बट अगर आप यूज़ करते हो इस सॉफ्टवेयर को तो आपको पता होगा कि कैसे होता है। तो मैंने कई बार क्लिक कर दिया था इसी वजह से ऐसा हुआ है। तो अब अगर आप देखोगे तो इनने बताया है कि जो हमारा ऑर्डर गया था वो गया था 12:29:44 पे गया था, पर हमारा जो अलर्ट्स आया था, हम अलर्ट्स की टाइमिंग देखते हैं, इधर गए, हमारा ऑर्डर आया था 12:29:41 पे, इट्स मीन 3 सेकंड के अंदर इनने ऑर्डर लगाया। कई ऑर्डर मैंने चेक करें जो 2 सेकंड भी लगाए इनने। तो इस तरीके से आप ऑर्डर लगाओगे। अब आ जाते हैं हम एक दो ऑर्डर हम रिजेक्ट करवा के देख लेते हैं। तो रिजेक्ट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक FNO का ऑर्डर लगा लेते हैं, इधर गए NFO पे क्लिक करा और NFO पे क्लिक करके हम बैंक निफ्टी का फ्यूचर बाय करेंगे। तो हम गए यहां पर और हमने डाला बैंक निफ्टी, मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूं, स्पेस APR अप्रैल FUT, मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर ओपन करा तो इसका कोड आ गया, ये आ गया यहां पर कोड, मैंने इस पर क्लिक करा एंड मैं इस पर गया। अब मेरे को दोबारा से इधर सेंटेक्स बनाने पड़ेंगे। एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी सेंटेक्स बनाते हो तो कई बार क्या होता है ये ओवरलोड हो जाती है, तो आपको दोबारा इस पे क्लिक करना है वन टाइम, तो ये ऑटोमेटिक जो ऑटो रिफ्रेश हो जाएगी, आपको रिफ्रेश बटन दबाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने रेगुलर पे क्लिक करा, सेंटेक्स डाला, ये NFO के अंदर आता है, NFO डाला, ऑर्डर के अंदर 20 डाला, क्योंकि ये जो बैंक निफ्टी की क्वांटिटी होती है, लॉट साइज होता है 20 होता है, बाय करना चाहता हूं, आई थिंक शॉर्ट साइड आज बंद कर रखी है, शॉर्ट सेलिंग नहीं हो रही तो ऑर्डर भी रिजेक्ट नहीं होगा एंड मार्केट कर देता हूं, मार्केट करूंगा तो बाय हो जाएगा, ये किसी और का अकाउंट है, किसी यूजर का अकाउंट है, इसलिए मैं बाय नहीं करना चाहता, उनकी फीस कट जाएगी एंड मैं यहां पर ₹50 नीचे डाल देता हूं, जब भी मेरा सिग्नल आए उससे ₹100 नीचे मेरा ऑर्डर लगे, ₹100 डाल देता हूं। अगर ये इन्होंने कुछ वो नहीं लगा रखा, प्राइस नहीं लगा रखा तो मेरा ऑर्डर चले जाएगा, चलो 50 ही डाल देता हूँ, ₹50 नीचे MCX कर दिया एंड जनरेट कोड करा। अगर मेरी सारी चीज़ें सही है और एक्सचेंज ने अलाउ कर रखा है आज ऑर्डर लगाना, तो मेरा ऑर्डर लग जाएगा। इससे पहले मैंने 2 दिन पहले चेक करा था, सारे ऑर्डर लग रहे थे, अब आपके सामने चेक कर रहा हूं। तो मैंने कॉपी बटन पे क्लिक करा, ट्रेडिंग व्यू पे गया एंड कोड, मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो मेरी कंडीशन थी, उस पे गया एंड इसको पूरे को डिलीट मारा एंड कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद हम इसे टिगर कराते हैं, तो मैंने ये टिगर कराया,
टिगर कराने के बाद यहाँ पर अलर्ट्स आएगा, वेट करते हैं, अलर्ट्स आया, हम एंड पे गए एंड यहाँ देखते हैं ऑर्डर आया या नहीं आया। तो ये देखिए यहाँ पर ऑर्डर आया है क्योंकि ये कंप्लीट रिजेक्टेड है, आप यहाँ पर देखोगे तो रिजेक्टेड दिखा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बताएगा भी क्यों 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 रिजेक्ट हुआ है। तो ये बता रहा है कि अभी हम देख लेते हैं ये क्या बता रहा है, ये कुछ हाँ इधर बता रहा है, हाँ ये सॉरी इधर बताता है, मैंने बोलता है कि ये सही कि मैं इस सॉफ्टवेयर को फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो ये बता रहा है आर एम एस मार्जिन, इट्स मीन कि हमारे पास जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम है अकाउंट के अंदर, आई थिंक 12,000 रुपये इस अकाउंट के अंदर, और इसका बाय करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो मतलब करीबन 82,000 रुपये चाहिए। तो इस तरीके से अगर मेरे पास बैलेंस होता तो मेरा ऑर्डर आ जाता। आप ये चीज़ सेम इनकी वेबसाइट खोल के भी ऑर्डर लगा सकते हो, पर वेबसाइट के अंदर मेरे को काफ़ी बग्स देखने को मिले, और फिर मैंने कुछ पुराने यूजर से बात करी तो उन्होंने बताया कि इनका ऐप और जो इनका आंट ऐप है वो काफ़ी फास्ट है अकॉर्डिंग टू वेब। वेब पे ऑर्डर थोड़ा सा डिले दिखते हैं, कई बार रिफ्रेश करना पड़ता है, बट यहाँ पर ये चीज़ करनी नहीं पड़ती। तो ये चीज़ फिर मैंने खुद महसूस करी कि आज से 2 दिन पहले तो ऑर्डर बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे विदाउट रिफ्रेश, आज रिफ्रेश करने पे दिख रहे थे, बैकएंड में तो लग जा रहे थे पर रिफ्रेश करने पे यूजर को दिख रहे थे। अब एक चीज क्लियर कर दूं, जो नए यूजर हैं उनको मैं बता दूं, जब आप कंडीशन लगा देते हो, एपीआई कनेक्ट कर देते हो, आप अपने पीसी को बंद कर सकते हो, मोबाइल को बंद कर सकते हो, आपका ऑर्डर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अगर एक्सचेंज ने अलाउ कर रखा है और आपका कोड सही है तो आपका ऑर्डर जाएगा ही जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज भी क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं हम एक और ऑर्डर और लगा के देख लेते हैं जो ऑर्डर लगे। चलो अभी हमने जो ऑर्डर बुक है आप देख सकते हो 2 ऑर्डर लगा रखे हैं IOC के और SBI के, इसको कैंसिल करते हैं बोट के साथ। तो हम दोबारा से इस पे गए अपने ट्रेडिंग चार्ट पे एंड यहां पर हमने कैंसिल ऑर्डर की कमांड ली। तो हम कैंसिल ऑर्डर पे जाते हैं। कैंसिल ऑर्डर का मैं बता दूं, कैंसिल ऑर्डर जो होता है वो रेगुलर को, तो जो रेगुलर ऑर्डर होते हैं उनकी बिड को एग्जिट कैंसिल करता है, पर अगर आपने कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर लगा रखा होता और अगर उसमें पोजीशन होती तो उनको एग्जिट कर देता, पर रेगुलर ऑर्डर के अंदर बस कैंसिल करता है ऑर्डर को, क्योंकि अभी पोजीशन मिली नहीं तो इस ऑर्डर को हम इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो यह 2 टाइप के कैंसिल ऑर्डर हैं। एक तो है कि आप सारे ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हो तो आप जनरेट कोड करोगे, आपका ऑटोमेटिक कोड जनरेट हो गया, इसमें हम किसी सिंबल को टारगेट नहीं कर रहे, बट आप चाहते हो मैं पर्टिकुलर SBI को कैंसिल करना चाहता हूं तो आप SBI का यहां पर कोड जो 3045 था एंड SBI ही कैंसिल होगा। तो अभी मैं दोनों को करना चाहता हूं, मैंने कॉपी करा एंड मैं इधर गया एंड इस पे क्लिक करा एंड मैंने ये चीज को पेस्ट कर दिया। इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं सारे ऑर्डर लगा के दिखाऊंगा। अभी कोरोना के चक्कर में बहुत सारी चीजें बंद कर रखी हैं जैसे ब्रैकेट कवर, तो हो सकता है कि हाँ 1-2 वीक तक मैं इसकी वीडियो ना बना पाऊं क्योंकि मेरे को ये मौका ही नहीं देंगे। एंड जिस दिन इन्होंने मौका दिया उसके 1-2 दिन बाद मैं वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर पर्टिकुलर, जैसे मैंने जिरोधा की वीडियो बनाई है, सेंटेक्स की, फायर्स की बनाई, वैसे इसकी भी बना दूंगा, बट ये जो लोग यूज करना चाहते हैं उनके लिए था। तो मैं इसे टिगर कराता हूं, जैसे ही मैं टिगर कराऊंगा आपको पता है यहां पर अलर्ट्स आएगा, वेट करते हैं, अलर्ट्स आया, हमने आइंट को ओपन करा एंड ये हमारे दोनों ऑर्डर आपके सामने कैंसिल हुए। जब मैं आइंट पे आया, इस सॉफ्टवेयर पे आया एंड डेस्क पे, तो यहां पर ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे। तो इस तरीके से ऑर्डर कैंसिल हो गए। आई थिंक आपको ये वीडियो बन गई 18 मिनट की। मैं जितना भी सोचूं कि वीडियो 5 से 10 मिनट में कंप्लीट करूंगा, नहीं होती क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगता है हर चीज को समझाने में और इतना फास्ट बोलने के बाद भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं एंड एनी डेस्क डाउनलोड करके मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय।